नहीं बताना चाहिए। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हे गाइस, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अनीशा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आज मैं जा रही हूँ कहीं ट्रिप पे। तो ये मेरी लाइफ का पहला ट्रिप है जहाँ मैं मतलब बिना फैमिली के जा रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये ट्रिप हमारा अचानक से प्लान हो गया, मतलब ये प्री प्लान नहीं था, अचानक से ही कि हाँ चलो चलो चलो। मतलब मन तो था बहुत दिन से जाने का यहाँ पे, बट अचानक से सडनली प्लान बन गया कि हाँ चलो चलते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं। और इस ट्रिप में मैं सबसे ज़्यादा मिस अपने गिल्लू बेबी को करूँगी, पर ये तो मुझे मिस ही नहीं कर रहा। एक्चुअली इसे अभी पता नहीं है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो एक दो दिन के बाद मतलब मैं जब चली जाऊँगी तब ये मुझे मिस करेगा। सो यहाँ पे मैंने खाना पैक कर लिया है ट्रेन में खाने के लिए रात में। और यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी मेरी मम्मी ने बनाया है, और यहाँ झारखंड का स्पेशल डिश पिट्ठा, तो ये हम लोग ट्रेन में खाएंगे। सो स्टेशन जाने के लिए हम लोग यहाँ निकल चुके हैं। 4 बजे की ट्रेन है हमारी, तो हम लोग घर से 2:30 बजे निकले हैं ताकि टाइम पर हम लोग पहुँच पाएँ। सो यहाँ हम लोग रांची रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, और हमारी ट्रेन का नाम है गरीब रथ। तो आगे देखो वीडियो में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं रांची से, तो वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक सप्ताह मेरे बगैर कैसे रहोगी, देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए आई थी साथ में, तो यहाँ से फिर मम्मी घर चले जाएगी और यहाँ से हम लोगों का ट्रिप स्टार्ट होगा। साथ में जाएंगे हम ही लोग हैं, अपना फैमिली है। मेरे गिल्लू को ख्याल रखना, ठीक है? और थोड़ा बोलो भैया कौन आएंगे। हाँ बोलो तो रख ही लेगा, मेरे गिल्लू का मेन ख्याल रखना। चलो तुम लोग को भी अच्छा से जाना, घूम के आना। नहीं बताना चाहिए। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं ट्रेन। बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पे देखो गाइस, मेल पेट लग रहा है। यहाँ पे हमारी शादी की तैयारी होगी, हम लोग शादी में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उधर भी लग गया है, यहाँ पे भी साथ में लगा लिया है, सब मेल पेट लगा लिया। उधर भी रिकॉर्ड करो, कैमरा मैन फोकस करो। हाय गाइस, हाय गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं टाइम पास करने के लिए, और ट्रेन में आए और लूडो ना खेले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग छोड़ के अच्छा तुम भी घुस गए, ये हम घुसेंगे तभी आएंगे दोनों एक पे। अरे वाह अनीशा हार गई, हार गई। ठीक है, हार गए। यहाँ देखो हम लोग खाना, ट्रेन में बैठने के बाद कुछ ज़्यादा ही जल्दी भूख लग जाता है, तो जो भी हम लोग घर से खाना लेके आए थे यहाँ पे हम लोग खाना स्टार्ट कर चुके हैं। सो रात हो चुकी है, तो अब हम लोग सो रहे हैं और आप लोगों से मिलती हूँ सुबह में। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम लोग कानपुर स्टेशन पहुँचे हैं, और ट्रेन 11 बजे पहुँचाने वाली थी, लेकिन अभी ट्रेन 8 घंटे डिले चल रही है। तो देखो अब हम लोग कब पहुँचते हैं, रात भी हो सकता है। सो 11 बजे पहुँचाने वाली ट्रेन शाम के 7 बजे पहुँचा रही है, और हम लोग फाइनली दिल्ली पहुँच चुके हैं। तो हाँ, हम लोग न्यू दिल्ली आए हैं, और न्यू दिल्ली से भी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, तो हमारी दूसरी ट्रेन है अभी। तो वीडियो में एंड तक देखो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं। गलती हो जाता है गाइस, भूल जाते हैं कि हम गरीब हैं। हम लोग पहले ही बता दिए थे, हम लोगों ने बोला कि दाल रोटी सब्जी चाहिए था। पूछिए इनको, बताया कि दाल रोटी सब्जी बताइए। अच्छा ठीक है भैया। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक भोजनालय था, तो वहाँ हम लोग खाना खाने के लिए रुके, और ये थाली इन्होंने खुद ही सजेस्ट की। और फिर इसका प्राइस पूछने पे ये लोग प्राइस बता ही नहीं रहे थे, ये लोग उसको इग्नोर कर रहे थे। हम लोग प्राइस पूछ रहे थे तो वो लोग इग्नोर करके बोल रहे हैं हाँ हाँ राइस मिलेगी राइस मिलेगी, और ऐसे ही ये लोग सबका पागल बना रहे थे। कोई भी इंसान पूछ रहा था तो उसे प्राइस बता ही नहीं रहे थे। ये पूरे होटल वाले का पूरा मिली भगत था। तो ऐसे ही करके ये लोग डायरेक्ट 100-150 का खाना डायरेक्ट ये लोग 350 रुपये ले रहे थे। फिर हम लोगों ने तो कैसे कैसे करके किया तो फिर वो मैनेज हो गया। फिर वो लोग 180 रुपये करके एक थाली का रेट लिया। तो खाना खाने के बाद हम लोग वापस अपनी मेन डेस्टिनेशन में जाने के लिए निकल चुके हैं। तो उसकी ट्रेन भी लेट डिले चल रही थी, तो हम लोगों को किसी ने आइडिया दिया तो फिर हम लोग उसके कहने पे इस जनरल ट्रेन में चढ़ गए। और दिल्ली से 1.5 घंटे का और ट्रैवल था जहां हम लोग जा रहे हैं वहां का। फाइनली कितना बज रहा है? 11 बजने वाला है और फाइनली हम लोग मथुरा जंक्शन पहुँच चुके हैं। राधे राधे। सो फाइनली राधा रानी का बुलावा आ गया और हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं। और यहाँ हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है कि हम लोग मथुरा आ गए, हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था। इसीलिए रोड वाला ही सही लगा और रूम का साइज भी हमको यहाँ का बड़ा लगा। सो यहाँ पे रेलवे स्टेशन से निकल के हम लोग होटल देखने आ गए थे क्योंकि हम लोग को मंदिर के अगल बगल ही रूम लेना था। और यहाँ की ठंड तो पूछो मत यार, अचानक से इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया था कि यहाँ के लोग बोल रहे थे कि इससे पहले यहाँ पे इतना ठंड कभी नहीं हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे रूम ले लिए हैं। अभी रात भर सोना है, सुबह उठ के मंदिर के लिए निकलना है। हम लोग बहुत थक गए हैं। और कितना टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है तभी? 12 बज गया है। हम लोग को इतना टाइम लग गया रूम लेते लेते। फाइनली रूम मिल गया। अब हम लोग सोने जा रहे हैं और फिर हम लोग मिलेंगे सुबह। सुबह मिलेंगे, सुबह देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, मंदिर घूमना है हम लोगों को, तो हम लोग सुबह मिलते हैं। सो वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अभी वृंदावन मथुरा की सारी सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।